हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीताजी का पाठ तीसरा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामेष्येनेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नभ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां नारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियाम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्र
कर्मयोग मसक्त सविशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोष कर्मणः शरीर यात्रा पृथते न प्रसिद्धेर कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मोक्षसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजाः श्रेष्ठा कुरो वाच प्रजापते अनेन प्रसविष्यध्व मेषवो श्रेष्ठकामधो सह यज्ञः प्रजाः श्रेष्ठा कुरो वाच प्रजापते अनेन प्रसविष्यध्व मेषवो श्रेष्ठकामधो वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 जून 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम नारायण 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 राम 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 नारायण 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 भगवान कहते हैं मई मनाजस मई बुद्धि निवेश है तो निवशिष मई जब अत और ध्वंद न संशय संसार से विमुख होकर मई एव मनाजस केवल मेरे में ही मन लगा ये अनन्य था अनन्य
अनन्य केवल भगवान में लगे और में नहीं। अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति नित्य सस्य हम सुलभ अनन्यास्तिन्त्यन्तो मां ये जना परिपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमहम्यहम्। इसमें सब में महत्व है अनंतता का। मानो मान है, बढ़ाई है, रुपया पैसा है, भोग है, सुख है, इनमें जितना मन लगता है उतना वो परमात्मा की तरफ से विमुख होता है। तो परमात्मा की विष्णु एक ही, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातदास, एक परमात्मा हमारे से, एक परमात्मा को प्राप्त करना है। कारण के मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। यही तनु कर फल विषय भाई, संसार के सुख भोग इस शरीर का फल नहीं है। संग्रह करना, भोग भोगना, ये बिल्कुल विरुद्ध है। गीता में साफ विरोध आया है कि भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठाम व्यवसाय आत्मा का बुद्धि समाधोग न दिया। भोग और ऐसे आसक्त है मन संसार का सुख लेना और रूपयों चीजों का संग्रह करना, इसमें जिनकी आसक्ति है वे परमात्मा प्राप्ति को क्या करे, परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते, इधर वे लग ही नहीं सकते। बहुत अच्छे अच्छे पंडित, जानकार, समझदार, विद्वान, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना है ये लक्ष्य नहीं है। इधर ध्यान नहीं है। अरे गीता कहते अनन्य होना चाहिए, अनन्य चेता सत्सम, ये कर्ता का वाचक है। अनन्या स्वयं अपनी निष्ठा केवल परमात्मा की तरफ हो, अंतकरण की शुद्धि भी यही है। आप लगा दो परमात्मा शुद्धि हो जाएगी। अशुद्धि मिटाने से अशुद्धि नहीं मिटती है, परमात्मा में लगने से अशुद्धि मिट जाती है। सोते ही उस शुद्धि का खास घर है परमात्मा, उसका नाम ले, चिंतन करे, उसमें मन लगावे, स्वाभाविक अंतर्गत निर्मल हो जाएगा स्वतः ही। देखो निर्मलता स्वतः है, मलिनता कृत्रिम है, बनावटी है, और निर्मलता स्वतः सिद्ध है। तो उस निर्मलता के प्रति होने से मलिनता आप सब मलिनता तो छूटती चली जा रही है, शरीर छूटते चले जा रहे हैं, संसार छूटते चला जा रहा है, सब चीज संसार मात्र की प्रकृति की चीज मात्र है, वो बिल्कुल निरंतर हमारे से अधिक अलग हो रही है। उसको हम महत्व देते हैं, अपने लिए मानते हैं, ये गलती होती है। ये अगर भीतर से हम छोड़ देते हैं तो वो तो आप साफ होगा, श्रुति स्वाभाविक सब हो जाएगा ठीक। ये दोनों को योग कहा गीता ने, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चति। संसार का विच्छेद है ये योग है, और ये वियोग आपसे हो रहा है, आपसे आप। मनुष्य जबरदस्ती पकड़ता है संसार को, संसार नहीं पकड़ता है बिल्कुल। संसार तो अपनी धुन में जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, स्वतः स्वाभाविक। कोई देखे ना देखे, कोई माने ना माने, कोई ख्याल करे ना करे, कोई मतलब नहीं है, वो तो स्वतः ऐसे संसार मात्र नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है तेजी से स्वाभाविक।
अब इसमें कोई मैं सुख ले लू पकड़ लू ऐसे तो पकड़ने का बैम पड़ेगा, पकड़ा नहीं आएगा। संसार अभी तक तो किसी के पकड़ में आया नहीं, आएगा नहीं, आ सकता ही नहीं कभी। ये तो अपने दिल में जा ही रहे, पकड़े कैसे कैसे पकड़ोगे? सही को पकड़ोगे सही बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। जितना संसार है सब का लोग जा रहे हैं। तो केवल मनुष्य को अपना भाव बदलना है, अपने तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। दूसरा हो गया तो हो गया, क्या है? कई तरह तरह के आदमी मिले, धोखा देने वाले मिले, विश्वासघात करने वाले मिलेंगे, तिरस्कार करने वाले मिलेंगे, अपमान करने वाले मिलेंगे, निंदा करने वाले मिलेंगे, आदर करने वाले भी मिल जाएंगे, निराश करने वाले मिल जाएंगे, प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे। इनमें अटकना नहीं है, क्या फायदा फायदा है, क्या भाव हो गया? अच्छा भाव कर दिया तो क्या मिल गया? हमारे दुर्भाव कर क्या हानि होगी हमारी? बद्रीनारायण जाना है, बीच में बहुत जंगली फूल फूले हैं, बड़ी सुंदर फूला समय कह रही है सुंदर, और बड़ा सुंदर दृश्य है, हरा हरा जंगल दिखता ठीक, तो वहां ठहरना नहीं है। अगाड़ी जाओ तो महाराज घाम तप रही है, चढ़ाई आ गई है, गर्मी हो रही है, रूखा सुरू रंग जंगल है, कहीं दुर्गंधी आ रही है, खराबी आ रही है, तो उस दोनों से उन दोनों से हमें मतलब नहीं है। हमें तो बद्रीनाथ जाना है, बढ़िया से बढ़िया रास्ता हो तो तय करना है, फिर घटिया से घटिया रास्ता तो तय करना है। इनको तो हम जाना, ये विश्राम की जगह नहीं है, ठहरने की जगह नहीं है, सुख भोगना है। अब अटक जाते हैं आदमी मान में, बढ़ाई में, सुख में, अनुकूलता में अटक जाते हैं, तो रिश्ता बंद हो जाता है। इस बात से हमें इसमें नहीं अटना, अपना एक धुन बद्रीनारायण पहुंचना है। भाई कैसा कैसा है वो, कैसा ही हो, बढ़िया तू छोड़ना है, घटिया तू छोड़ना है, अमर बढ़िया घटिया मतलब नहीं है, अपना तो रिश्ता है। इस संसार का सुख आवे, दुख आवे, मान आवे, अपमान आवे, निंदा आवे, प्रशंसा आवे, अपनी धुन तो केवल परमात्मा को प्राप्त कर देगी है। निर्ममो निरहंकार, संसार की जो ममता है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, आस्था है, ये फंसाने वाली चीज है, जाल है, महान जाल। इससे विमुख होना है और भगवान को पुकारना है, हे नाथ हे नाथ पुकार, उद्देश्य एक बना दिया कि भगवान की तरफ चलना है। तेरे भावे जो करो भलो रो बुरो संसार, संसार ये करते हैं वो ये करते हैं, अरे तेरे क्या मतलब, कुछ भी करो, अच्छा करो मंदा करो, भलो बुरो संसार, भला करो बुरा करो, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार, अपना एक करना है, अपनी निष्ठा यही भगवान करेगा। ऐसा पक्का विचार, धुन मत करो क्या कौन क्या करता है क्या नहीं है, उस संपूर्ण दुनिया के लिए अपने को कोई निरीक्ष नहीं बनाया है कि तुम निगाह रखो, क्यों ना आप समय बर्बाद करें। अपने एक एक भाई एक एक बहन स्वयं अपने सोचो कि भगवान ने रखो, अपने से एक तरफ ही लगना है, चाहे सुख हो। मैं ये मना अध्यक्ष मई बुद्धि ये मेरे में लगा तो निवास से तेरा निवास मेरे में ही होगा, संदेह नहीं है। जैसे सुई होती है वो यहाँ दिल जाती है, धागा उसके पीछे पीछे जाता है, उसी मार्ग से जाता है, ऐसे आपका मन बुद्धि जान जाएगी, वहाँ आप चले जाओ, आप स्वयं मुझे चले जाओगे। यंग यंग वापि स्मरण भावम जैसे तम से कले वरम तम तम एव एति कौन्ते सदा सद्भाव भावित, जिस भाव का स्मरण करता हुआ सही छोड़ दे तो उसकी उसी को सद्भाव भावित होता हो तो उसी को प्राप्त हो जाता। तो हर समय एक उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा का रहे, केवल तुम्हें कल्याण करना, तेरे भाव सम्मति पूछे तो सम्मति अच्छी दे दी, बात बताओ तो अच्छी बता दी,
माने तो मौज नहीं, माने तो बहुत मौज है, बहुत ही आनंद। ये माने वो लगते अच्छे हैं, हमारी बात माने वो हमारे अच्छे लगते हैं। ये तो एक ऐसी चीज है भगवान की, ये संत महात्माओं की ये है, साधारण आदमियों की ये है, दुष्ट जंतुओं की ये है, दुष्ट आदमियों की यही है, चोर है, डाकू है आदि कैसे उनकी भी यही है कि मेरे पक्ष में आ जाए, मेरे पक्ष में आ जाए, मेरा बस कर लेगा, मेरे को मान ले। सभी भगवान यही कहते, संत महात्मा यही कहते। ये तो कोई भाग पड़ी सब सही, फर्क इतना है कि संत महात्मा और भगवान अभी तो लगाते हैं जीव के कल्याण के लिए, दूसरे लगाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। चाल तो हुई, चाल तो सबकी ये कि मेरा कहना माने, मेरा अनुसार चाल, चाल तो हम क्या करें बताओ, सब ऐसी बात है। तो अपने तो ये बात है कि अच्छी बात कह दे, सुंदर बात सुना दे, कल्याण की बात सुना दे, करे तो बड़ी अच्छी बात, नहीं करे तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर, लाचारी है, करा जा तो हाथ की बात नहीं, बात अच्छी कर दो, पूछे तो अच्छी कर दो, बिना पूछे तो अच्छी से अच्छी कर दो, मान रहे तो बड़ी आनंद की बात, नहीं मान रहे तो बहुत आनंद की बात। तो बहुत आनंद किया हुआ, मानने से तो हम फंस जाएंगे, ये गुरु चेलों के बस में हो जाते हैं, महात्मा संत भी सत्संगों के बस में हो जाते हैं। ये बात मानते हैं हमारी, नहीं माने तो हम फंसेंगे नहीं, हमारा फायदा है। अच्छी सच्ची बात बताना, इसमें कपट रखना नहीं है, छिपाव रखना नहीं है, सबका भला हो ऐसी अपने तो तन से मन से वचन से चेष्टा ऐसी करना है। अपना भाव और अपनी चेष्टा ही अपने काम आवेगी। दूसरा वर्ग को अच्छा मानते हैं, बुरा मन कोई नहीं होगा, सब अच्छा मान ले तो हम अच्छे नहीं हो सकते, सब बुरा मान ले बुरे नहीं हो सकते, हम अपने जैसे हैं वैसे ही। तो अपने भी चलो और आओ भैया, तुम ही आ जाओ, लोग कहते हो ठहरो ठहरो, ठहरने की बात नहीं है, पीछे साथ चलेंगे कि ना आ जाओ, हम तो चलते आप भी आ जाओ, चलो। अब कोई मानता है कोई नहीं मानता है, कोई उल्टा चलता है, कोई याद करते है, तो हंसना चाहिए, वाह महाराज बहुत विलक्षण, आपकी सृष्टि विचित्र है, अपने तो बात कह दो, एक देश तो हो चलो, एक भगवान की तरफ चलो। संसार के बहुत दिन चले, बहुत वर्षों चले, बहुत जन्मों से चले, परंतु अभी तो कोई रिश्ता ठीक निकला नहीं, तो अब तो चाल बदलो भाई, अब तो केवल भगवान की तरफ चलना, मत चेता मत गत प्राणा बोध ही अंतर पर कथी अंतर मांग नित्यम से शांति से रमन की, भगवान की बात करे, भगवान ही सुने, उसका ही नाम रहे, उनका ही कीर्तन करे, उनकी लीला पढ़े, जो अपना इष्ट हो एक वही लगे अपने तो, और भी कोई पूछे तो नहीं, यही बात बताओ आ जाओ भाई, वो कहते राजा तू जाते रह, बहुत अच्छी बात, लंबी साथ में बहुत अच्छी बात, चलो अपना प्रचार निश्चित एक ही, जिसके लिए मानव शरीर मिला, ये तरफ विशेष भाई, ये खाद्य मोदते आहार निद्रा भाई भाई धन से सामान्य मिलता, पशु पशुओं को मिलता है, सांसारिक सुख तो पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, लता धूप घास स्थावर जंगम सुख प्राणी को मिलता ही है। इसी में अगर हमारे है तो मनुष्य जन्म की क्या सार्थक, मनुष्य जन्म की सार्थक नहीं है, मनुष्य जन्म की सार्थक तो केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए है। इसके लिए वो जो समझ में आ गई है उसको छोड़े नहीं, और जो गुरु जो आचार आ गए समझ उनका त्याग कर रहे, उत्साह पूर्ण शुरू है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक होगा, एकदम ठीक होगा। इस मार्ग में नुकसान नहीं है,
हम अपना भाव ठीक रखे, अन्य भाव से चले, तो एक बहुत विलक्षण बात होती है। सब सहायक हो जाते हैं, हमारे प्रेमी भी सहायक हो जाते हैं, हमारे ऊपर कृपा रखने वाले भी सहायक हो जाते हैं, साधारण साथी भी सहायक हो जाते हैं, हमारे साथ बैर रखने वाले, द्वेष करने वाले भी हमारे मददगार हो जाते हैं, चोर डाकू भी मददगार हो जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी मददगार हो जाते हैं। ठीक परमात्मा में चलते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सबको। अनजान पने में आपको दुख देने वाले भी आपकी उन्नति करने वाले हैं, आपका उद्धार करने वाले हैं, वे पापों का नाश करके उन्नति करते हैं, दूजों को पुण्य करा कर सहारा देकर उन्नति करते हैं, करते दोनों उन्नति है। इस वास्ते भलो बुरो नहीं, कोई कोई भला न बुरा, ये तो संसार की सृष्टि है, भगवान है, हमारा भला हम चाहे तो भला ही होगा, बुरा हो नहीं सकता, और हम अपना भला नहीं चाहेंगे तो दूसरा भला कर नहीं सकता। अनेक संत हुए, महात्मा हुए, आचार्य हुए, फिर भी संसार यही चलता है तो दूसरा कोई कर नहीं सकता, उनके मन में लगन रही है, कहूँ ऐसी ऐसी बढ़िया लगन रही है, तो लगन के कारण से वे श्रेष्ठ हो गए, तो दूसरों का उद्धार कर दिया, उनके हाथ की बात रही, ठेका लेना ही नहीं चाहिए, हमारे हाथ की बात रही है भाई, हम क्या करें, सब सम्मति दे दो अपनी, अच्छी बात बताओ, अपने जो समझ में आई है अच्छी से अच्छी बात बता दो, करे तो मौज नहीं करे तो बहुत मौज, अपने क्या है, अपना तो अपना किया हुआ ही हमारे काम आएगा, किस भाव से क्या किया है उसके अनुसार हमारा नतीजा होगा, तो हमें चिंता किस बात की, कोई चिंता नहीं। एक बात आती है मन में साधन करने वालों के, संत महात्माओं के भी, कि ये ऐसा नहीं करे तो अच्छा है, ऐसा उल्टा नहीं करे तो अच्छा है, तो उल्टा चले तो उसका दुख होना चाहिए, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे आदमी दुख उससे हमें दुख होना चाहिए, दुख उससे पाप करे अन्याय करे तो उसका भी हमारे अंतर में दुख होना चाहिए, तो ऐसे क्यों करते हैं, न करे तो बड़ा अच्छा है, सम्मति पूछे थे भाई ऐसा नहीं करते तो अच्छा थे, हमारा मन तो इसमें राजी है, अब करो न करो आपकी मर्जी, आप ऐसा करते हो हमारे अच्छे राजी नहीं है, क्या ऐसी सम्मति दे दो, आदर पूर्वक बता दो, फिर मर्जी उनकी करे ना करे, ये एक भाव रहता है कि मेरी बात माने, उसमें एक अभिमान रहता है और अपने में अच्छा पने का अभिमान एक आता है, तो अच्छाई की जो अभिमान की बात है, अच्छाई का अभिमान है ना, ध्यान देना वो बुराई की जड़ है, अब बुराई पैदा होगी, जहाँ अच्छाई का अभिमान पैदा हुआ अब बुराई पैदा होगी, तो अच्छाई का अभिमान ना करे, भगवान की कृपा से होता है, आज ही करे सो राम जी कह सतगुरु के संत, भूले बने सो आपकी ऐसी गुरु, गलतियां बढ़ते हैं हमारी, अच्छी बातों से संतों से होती है, महात्माओं से होती है, भगवान से होती है, सज्जन पुरुषों की सहायता से होती है, बुरी करते हैं हम, गड़बड़ी करते हैं, ऐसी और धारण समय कुछ बिगड़े नहीं, उस सेव की लाज पसे गया राखे साई, संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत अनंत, आशी करे उस राम जी कैसे, राम जी सदगुरु संत महात्मा अच्छी करते हैं, उनकी कृपा से अच्छा बनाता है, माता पिता के कारण से, बड़े बड़कों की पुण्याई से, उनके अच्छापन से हमारे में अच्छा बनाता है, और अच्छापन सब में है, वो प्रगट हो जाता है उनके संग से,
बुरापन है नहीं, बुरा आता है, इस वजह से मिटने वाला होता है, अच्छा फिर मिटेगा नहीं, कुछ तो है, सत है उसका भाव नहीं होता, असत है वो टिक नहीं सकेगा, ये नसीजा होगा, इस वजह से हमारे नजर भगवान से चलो एक बना होगा। नारायण 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 नारायण, खूब प्रसन्न रहो।